वेलकम एवरीवन टू जियोग्राफी मेड इजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे DSSSB की एग्ज़ाम की जो PGT एग्ज़ाम होता है उनका जियोग्राफी का क्वेश्चन। तो पहले 20 क्वेश्चंस को देखने का प्लान है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज। तो ऑप्शन ए लैप्स रेट, ऑप्शन बी एडियाबेटिक लैप्स रेट, ऑप्शन सी इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन डी नॉर्मल रेट। तो ये जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में अगर हम लोग जनरली देखेंगे तो देखते हैं कि ग्राउंड सरफेस से हम लोग जितना ऊपर तक जाएंगे 6.4 डिग्री सेल्सियस के तहत हर 1000 मीटर और 1 किलोमीटर में टेम्परेचर का रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है विद इंक्रीज इन हाइट, हाइट के बढ़ने के साथ साथ। तो ये इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर है। अदर्स जो यहाँ पे लैप्स रेट दिया हुआ है, अगर ये टेम्परेचर हाइट ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ अगर टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस के रेट में अगर रिड्यूस होता है तो हम उसको लैप्स रेट बोलते हैं। लैप्स रेट के बाद हम लोग देख सकते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है, एडियाबेटिक लैप्स रेट मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर बट विदाउट चेंजिंग देयर फॉर्म। मतलब जो टेम्पर मतलब जो एयर होता है, सिंपली जो एयर है वो अगर ठंड गर्म होके लाइट हो गया और हल्का होके ऊपर उठ जाता है, तो ऊपर उठने के साथ साथ क्या होता है, उसका जो प्रेशर होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो प्रेशर हो गया वो रिडक्शन होने के साथ साथ वो प्रेशर वो एयर ऊपर जाके अपर एटमोसफेयर में उतना और ज़्यादा लाइट हो जाता है और वो लाइट एयर हल्का होके एक्सपेंड कर जाता है। तो उसके लिए जो टेम्परेचर खर्च होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो ये एडियाबेटिक लैप्स रेट में जो टेम्परेचर चेंज जो होता है वो दो तरफ से हो सकता है, एक ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं और एक वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर है उसका जो चेंज होता है वो अगर वो एक्सपेंशन ऑफ एयर और रिडक्शन और कॉम्पैक्शन ऑफ एयर के तहत होता है तो उसको एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। ये एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर को दो टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये एक को हम लोग बोलते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और एक को हम बोलते हैं मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। सो जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो है जो चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ कॉम्पैक्शन। मतलब अगर मैं सीधे तरह से बोलूँ तो ऐसा है कि अगर जो एयर है वो अगर गर्म होकर ऊपर उठेगा तो वो लाइट हो जाएगा, और वो गर्म होकर उठने के साथ साथ अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर से रिड्यूस होगा और बिफोर सैचुरेशन पॉइंट अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो उसको हम लोग ड्राई रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको ड्राई एडियाबेटिक रेट बोलते हैं। और अगर कोई भी असेंडिंग एयर जो ऊपर उठ रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस के हर में अगर उसका जो टेम्परेचर है वो अगर कम घटता है और वो जो टेम्परेचर घटेगा वो आफ्टर ड्यू पॉइंट होगा तो उसको हम लोग मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट और रिटार्डेड एडियाबेटिक लैप्स रेट और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है नॉर्मल रेट, ये भी बोल दिया मैंने बोला है कि लैप्स रेट क्या है, नॉर्मल रेट 6.4 डिग्री सेल्सियस से अगर जाएगा तो वो नॉर्मल रेट होगा। सो हम लोगों का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो रहा है इन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज मोशन इफेक्ट, कोरियोलिस इफेक्ट, एक्सीडेंटल इफेक्ट, अनफोर्स्ड इफेक्ट विंड। तो यह है कोरियोलिस इफेक्ट। हम लोग जानते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, जब जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट ये जो रोटेशन होता है ये रोटेशन के कारण हमारा अर्थ का ये फोर्स क्रिएट होता है उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स ही जो विंड होता है, प्लेनेटरी विंड सिस्टम हमारा, वो उसको रोटेट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कोरियोलिस इफेक्ट। नेक्स्ट, इफ द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज टू बी मेजर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड विल बी यूज्ड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इंटरक्वार्टल रेंज। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। सो देखिए, हमारा जो ये राइट आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है,
ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के मदद से हम दो या उससे ज़्यादा सेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हमारा जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल यहाँ पे बोला गया है, उसको दिखाने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज़्यादा, अगर बड़ा डेटा होगा, सिंपल स्टैंडर्ड मीन डेविएशन करना होगा मीन से, तो हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है, मीन डेविएशंस नहीं यूज़ होता। मीन डेविएशंस को ही, डेविएशंस को थोड़ा सा यूज मतलब रूट लगा के हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। इंटर क्वार्टर रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्वार्टर एंड माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्वार्टर। सो हम लोग इंटर क्वार्टर रेंज हम बैलेंस के लिए एक निकाल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे चाहा है क्वेश्चन की वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल व्हिच मेथड टू बी यूज्ड, तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ना, सीवी का, वो है हमारा सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। मतलब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100 करके हम लोगों को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हमें पता है मीथेन एक बहुत सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, डेंजरस ग्रीन हाउस गैस है, हाइस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर वेपर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ इरोशन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड? तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा कोरोशन। तो देखिए ये जो है रिमूवल, तो ये हमारा केमिकल वेदरिंग का पार्ट है। तो केमिकल वेदरिंग में टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग हो सकता है। उसमें एट्रिशन आएगा, इजेक्शन आएगा, कोरोशन आएगा, सैपिंग आएगा। तो जो प्रोसेस ऑफ इरोशन रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ द मटेरियल बाय सॉल्यूशन, तो हो जाएगा हमारा कोरोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन of the proponents of the turbidity current theory of the origin of the submarine canyons is, तो हमें ये turbidity current theory एक थ्योरी है, उसका जो सबमरीन कैनियंस होता है, सबमरीन कैनियंस ये जो जो हमारा सबमरीन हो रहा है, तो जो मतलब अंडर द सी है, अंडर द जो सी है, तो उसमें जो ये हमारा सबमरीन कैनियन है, उसका जो ऑरिजिन है, उसका ऑरिजिन के लिए एक जो थ्योरी है, उसको टर्बिडिटी करंट थ्योरी बोलते हैं। टर्बिडिटी करंट्स के मतलब से वो होता है। तो उसका जो प्रोपोनेंट है वो कौन है इस चार में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दिल्ली। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट साइड में है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द ट्रॉपिकल रीजन में भी एज हाई एज 4%, 9%, 20%, 30%। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 4% होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 9% नहीं हो सकता, 30% 20% नहीं हो सकता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एटमोसफियर में जो वाटर वेपर होता है वो 5% होता है। तो उस हिसाब से हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया। और एक और चीज़ है कि जो वाटर वेपर है वो ट्रॉपिकल एरिया अगर है ना, जो अर्थ का जो अगर इक्वेटर से हम लोग नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जितना जाएंगे, तो उसका जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो भी बहुत कम हो जाएगा। 5 डिग्री ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा होता है, और एट द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर सबसे ज़्यादा हम लोगों को वाटर वेपर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन ओशन इज सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स? तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स वो रैंडम होगा क्या, कॉम्पैक्ट होगा क्या, सेमी कॉम्पैक्ट होगा, ये कहाँ से आया है? एक एनालिसिस है NNH, जिसको हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस। ये नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस के मदद से हम लोग कोई भी एक एरिया का जो मैप होगा, ये अगर टोपोग्राफिकल मैप है, उसका सेटलमेंट्स पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक फार्मूला के मदद से। तो वही है नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक होता है, अगर एक होगा वो रैंडम होगा, अगर 2.15 है तो उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, अगर लेस देन 2.15 है तो भी वो भी रैंडम आ जाएगा, अगर लेस देन 1 हो जैसे 0.49 यहाँ पे तो वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आ जाएगा, और क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आ जाएगा, अगर इन बिटवीन हो तो वो भी रैंडम आ जाएगा। 2.5 का नियर बिटवीन हो, नियर रबर आउट हो, तो नियरली यूनिफॉर्म और सेमी कॉम्पैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्राइबल इकोनॉमी? इंटेंसिव कल्टीवेशन,
फुटलूस इंडस्ट्री, माइनिंग क्वेरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हम लोग को पता है ट्राइबल इकोनॉमी जो होता है, ट्राइबल जो पीपल होता है वो एक मतलब जो सोशल लैडर जो होता है हमारा, उससे बहुत पिछड़े हुए आदमी होता है, उन लोगों का जो एजुकेशन है बहुत लो होता है, तो वो सब लेबर इंटेंसिव वर्क ही करते हैं। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन हो सकता है, फुटलूस इंडस्ट्री तो नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, माइनिंग एंड क्वेरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक चीज़ है जहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है पार्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन पार्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स है वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उन लोगों का ट्राइब से। सो ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ए पेनी प्लेन इज द डैश ऑफ द क्लासिकल जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ इरोशन। तो ये जो पेनी प्लेन है ये एक एंड प्रोडक्ट है या मैच्योर प्रोडक्ट है या बिगिनिंग प्रोडक्ट है या यूथफुल प्रोडक्ट है। सो राइट आंसर होगा एंड प्रोडक्ट। बेसिकली पेनी प्लेन जो है डब्ल्यू एम डेविस ने 1899 में उनका जनरल साइकिल ऑफ इरोशन जो दिए था उसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पेनी प्लेन क्या होता है, जब मैच्योर ओल्ड स्टेज में अगर जो रिवर आ जाएगा एक जगह से, तो उसमें छोटा छोटा ऐसा पहाड़ जैसा रह जाता है जो नॉन इरोसेबल हार्ड रॉक से बना होता है, तो वो स्मॉल स्मॉल ढीबी जैसा होता है, उन लोग उनको ही पेनी प्लेन बोला जाता है। एक जियोमॉर्फिक साइकिल में एक लैंडस्केप में देखा जा सकता है। तो ये एंड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ द स्ट्रीम लोड। स्ट्रीम लोड जो होता है, स्ट्रीम में जो वाटर हो सकता है, जो वाटर मूव करता है, वहाँ पे टाइप टाइप के डिफरेंट डायमीटर के स्ट्रीम लोड हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रीम लोड, अनसस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड, डिजॉल्व लोड और एलोवियल लोड। एलोवियल लोड जैसे एज सच कुछ नहीं होता है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हो सकते हैं, डिजॉल्व, सस्पेंडेड, अनसस्पेंडेड। तो एलोवियल लोड नहीं होता, ये होगा इसका आंसर। सो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आइजॉल, कोलकाता, राजकोट, इम्फल। तो हम लोग को पता है कि 8 स्टेट्स है इंडिया में जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो हम लोग अगर देखेंगे कोलकाता तो नहीं हो सकता, हम लोगों को पता है कि मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ पे आ सकते हैं। सो हम लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आइजॉल जो है मणिपुर की कैपिटल, मिजोरम की कैपिटल, और इम्फॉल जो है मणिपुर की कैपिटल, इम्फॉल नहीं आएगा तो आइजॉल होगा राइट आंसर। आप लोग थोड़ा सा मैप में भी देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम वेयर डिपॉजिटेड अंडर मैराइन कंडीशन, रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम आर फॉसिलिफेरस, रॉक ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स, गोंडवाना डिपॉजिट्स टुक प्लेस इन डाउन फॉल्टेड ट्रफ। सो देखिए कार्बोनिफेरस अगर होगा, कार्बोनिफेरस पीरियड में जनरली गोंडवाना लैंड का था, तो ये तो दो नंबर सही है। सो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है ये सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम्स वर डिपॉजिटेड अंडर मैराइन कंडीशन, तो ये भी कुछ हद तक सही है, तो हम लोग इसको भी मतलब क्रॉस कर सकते हैं। बचा हुआ है ए और बी, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 और 4 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सो रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन मेटालिक मिनरल डिपॉजिट्स एंड गोंडवाना डिपॉजिशंस टू प्लेस इन डाउन फॉल्टेड ट्रफ। सो देखिए जो बोला गया है कि रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम कंटेन्स मेटालिक मिनरल्स, ये भी सही आंसर होगा, क्योंकि गोंडवाना रॉक्स में हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे मेटालिक मिनरल्स भी थे, साचे आयरन, मैंगनीज, एंटीमोनी, यूरेनियम एक्सेट्रा, ये भी थे। सो ये राइट आंसर होगा। सो ए बी सी तो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। हमें सीक्वेंस बोलना है, पहले कौन सा राज्य आया, फिर कौन सा राज्य आया। सो हमारा जो राइट आंसर होगा न्यूली फॉर्म्ड है वो है हमारा सिक्किम, उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम के बाद आएगा गोवा और लास्टली अरुणाचल प्रदेश आएगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट था। अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हो गया था 1987 में, देन हमारा आ गया था गोवा 1987 में ही 30th में, देन हमारा आ गया था मिजोरम 1987, उसके बाद सिक्किम 1975। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 82.5 डिग्री ईस्ट होगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजियंस प्रैक्टिसिंग मोस्ट इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, पैम्पास रीजियन, मारे डार्लिंग बेसिन जो है, कैलिफोर्निया वैली, मॉनसून एशिया। तो देखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस अगर फार्मिंग होगा तो साउथ और साउथ एशियन कंट्रीज होगा, तो मॉनसून एशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस
एज वन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट अगर जाएंगे तो हमारा एकदम ईस्ट में आ जाएगा मुर्शिदाबाद। सो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा, सो उसके बाद आएगा यूपी का हमारा गोरखपुर। सो दो नंबर उसके बाद आएगा हमारा तीन भोपाल, और लास्ट में आएगा हमारा भावनगर, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंडस्ट्रीज कैन ऑन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन ओनली हेल्प इन एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फॉर सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली टू एग्रीकल्चर बट ऑल्सो टू सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन हेल्प इन एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो हमें ये देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट ऑल्सो सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिक्विस्ट्रेशन। तो हमें अगर पता चलना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड सिक्विस्ट्रेशन क्या है। सो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्विस्ट्रेशन एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को अंडरग्राउंड स्टोर करके रखते हैं। उससे क्या होता है, जो ज़्यादा इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है एटमोसफेयर में, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, वो रिड्यूस हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, स्मोक स्टैक एमिशन, द इंजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सबसर्फेस जियोलॉजिक रिजर्वायर्स, द रिजर्व रिवर्सल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, स्क्रबिंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट पावर प्लांट एमिशंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सबसर्फेस जियोलॉजिकल रिजर्वायर्स। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा एक पिक्चर है, वहाँ से ही हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अंडरग्राउंड में हम लोग सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म रिमूवल कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर, स्लो और रिवर्स एटमोस्फेरिक CO2 पॉल्यूशन टू मिटिगेट और रिवर्स द क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेचुरली कैप्चर्ड फ्रॉम द एटमोसफियर थ्रू बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। तो हम लोग ये सब देख सकते हैं, सो कैसे होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये हमारा था 20 क्वेश्चंस का एक क्विक डिस्कशन DSSB का। 200 क्वेश्चन है, माइंड इट, यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, हर एक 20 क्वेश्चन करके वीडियो आएगा। तो आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए, और ऐसे ही यूज़फुल जियोग्राफी के कंटेंट मिलने के आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं, और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।